नमस्कार। कुछ पौधे हमारे लिए इतने ज़्यादा उपयोगी हैं कि मेरा मानना है कि वह हर घर में होने चाहिए। उन्हीं में से एक पौधा आपके सामने है, इसे कहते हैं एलोवेरा या घृत कुमारी। आजकल ये हर तरह की बीमारियों में प्रयोग किया जा रहा है, खासकर त्वचा संबंधी और पेट संबंधी। किसी को गोरा होना है या पिंपल खत्म करने हैं या उसके पेट में जो है एसिडिटी बनती है, तो एलोवेरा बहुत ही उपयोगी पौधा है। आप में से बहुत सारे दोस्त काफ़ी परेशान रहते हैं कि इसे ग्रो कैसे करें, तो घबराइए मत। आज हम केवल पत्ती के द्वारा इसे ग्रो करना बताएंगे और पूरा अपडेट्स होगा। देखिएगा आप कि आप एक सिंगल पत्ती से एलोवेरा एक बड़ा सा पौधा कैसे उगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो का विचार, और आज की वीडियो का विचार है कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। यानी कि अगर हम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचार होने चाहिए, जिससे हम अपने देश, समाज और परिवार के लिए एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति बन सकें। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा एक मरुस्थलीय पौधा है, इसे आप कहीं भी पूरे भारत में बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। आज हम एलोवेरा को जो है पत्तियों से उगाना बताएंगे। उसके लिए आपके पास एलोवेरा का पौधा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें जड़ हो। इसके लिए आपको पत्तियां निकालनी होंगी, और पत्तियां निकालते समय ध्यान रखिए कि जो पत्तियों के नीचे व्हाइट पार्ट है यानी कि सफ़ेद भाग है, उसे आपको नहीं तोड़ना है, यानी कि उसके साथ ही पत्तियाँ निकालनी है। अब इन पत्तियों को एक दिन धूप में रखिए और उसके बाद एक सप्ताह तक छाया में रख दीजिए। छाया में रखने के बाद जो सफ़ेद पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा। एक सप्ताह बाद पत्तियों का जो व्हाइट पार्ट है वो हल्का हल्का ब्लैक होना शुरू होगा, पत्तियां ऊपर से ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब सफ़ेद पार्ट हल्का सा ब्लैक हो जाए तो आप समझ जाएं कि ये पत्तियां आप ग्रो किए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, जब तक पत्तियों का जो व्हाइट पार्ट है वो ब्लैक ना पड़े या सूखे नहीं, उस समय तक आप इन्हें मिट्टी में नहीं लगाएंगे। अब हमें पत्तियाँ ग्रो करनी है, तो इसके लिए जो सॉइल मीडिया हम प्रयोग करने वाले हैं वो बिल्कुल सैंडी है, उसमें खाद आपको बिल्कुल नहीं मिलानी है। अगर आपके यहाँ सैंड नहीं मिलता है तो आप मिट्टी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, जिसमें से पानी आसानी के साथ निकलता रहे। क्ले पॉट हम यूज़ करेंगे, मिट्टी का ही गमला सबसे बेहतर है। अगर आप प्लास्टिक पॉट यूज़ कर रहे हैं तो वेल ड्रेन होना चाहिए। ये देखिए, बड़ा ही आसान है। पत्ती लेनी है और मिट्टी में लगभग 1 से 1.5 इंच जो है दबा देनी है। ध्यान रखिएगा जो व्हाइट पार्ट है वही मिट्टी के अंदर रहना चाहिए शुरू में। कुछ दिन बाद आप इसमें मिट्टी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको बस इतना ही करना है कि जो हमारी लीव्स हैं, एलोवेरा लीव्स हैं, उनका जो व्हाइट पोर्शन है वह मिट्टी में दब जाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे दोस्तों को लगता है कि एलोवेरा को लीफ से ग्रो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर में हम अपडेट्स भी दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इनसे पौधा कैसे तैयार होता है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी एलोवेरा की लीफ्स लगा दें। हमने एलोए की लीफ्स जो है अपने पॉट्स में लगा दी हैं। उसके बाद आपको वाटरिंग करनी है, काफ़ी हैवी वाटरिंग कीजिए शुरू में, और फिर इसके बाद इस गमले को ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ हल्की फुल्की धूप आती रहे, बिल्कुल छायादार जगह पर, या ओपन धूप में बिल्कुल नहीं रखना है, जहाँ पर शेड हो, धूप भी आए और छाया भी बनी रहे। सप्ताह में 1-2 बार आप इसमें हल्की वाटरिंग करते रहिएगा। 30 से 40 दिन बाद कुछ इस तरीके की जो है पत्तियाँ ड्राई होकर सूखने लगेंगी, और जो नीचे की एरिया है जहाँ पर हमने जो है लीव्स लगाई थी, वहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो है नए पौधे जो है तैयार हो गए हैं। तो आप खुद देखिए, अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि लीफ से जो है एलोवेरा तैयार नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से प्रॉपर नियम से काम करेंगे तो जो है आप पत्तियों से भी एलोवेरा उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना सा मैंने वीडियो बनाया, और बस मैं आपको जो है इंक्रीज़ करना चाहता था, आपको प्रेरित करना चाहता था कि एलोवेरा को पत्ती से बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है, और इसी तरीके से छोटे छोटे पौधे तैयार कीजिए, अपने जो है गार्डन में लगाइए। और एलोवेरा हर्ब यानी कि औषधि रूप से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आप इसे खाने में प्रयोग कर सकते हैं, इसके जेल को लगाने में प्रयोग कर सकते हैं, फेस पैक के तरीके से भी एलोवेरा यूज़ किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आखिर में आपसे निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर होना चाहिए, तो उसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।